जिला कारागार में डीएमएसपी व जेल अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी ने किया जेल का निरीक्षण। इस दौरान उनके साथ अपर पुलिस अधीक्षक व सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। कोरोना वायरस की महामारी ने जहां आम आदमी की सभी गतिविधियों को पूरी तरीके से बदल दिया है, वहीं सरकारी व्यवस्था भी सुस्त पड़ गई है। इन सब व्यवस्थाओं के बीच कोविड-19 के आंकड़े रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। सड़क पर घूम रहा आदमी या फिर जेल की सलाखों पर बैठा हुआ व्यक्ति भी कोरोना से बच नहीं पा रहा है। इसलिए सरकार जेलों में भी कोरोना को रोकने के उपाय लगातार कर रही है। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी उन्नाव ने भी जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ अपर पुलिस अधीक्षक व सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान बताया कि कोविड-19 को लेकर जेलों में सतर्कता बढ़ाई गई है ताकि संक्रमण होने के खतरे कम से कम हो। जिस तरीके से जेलों पर भी कोविड-19 से बचाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उससे लगता है भारत एक दिन जरूर कोरोना वायरस से लड़ाई में जीत हासिल करेगा। पेश है उन्नाव से सहबान मलिक की खास रिपोर्ट। जेल का निरीक्षण किया है, किस तरीके की अनियमितता मिली है, क्या रहा है आज का निरीक्षण में? आज जिला जेल उन्नाव का निरीक्षण अपर पुलिस अधीक्षक और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ किया गया है। ये औचक निरीक्षण था और जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं जेल की वो देखी गई हैं। मेस का निरीक्षण किया गया है, हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया है। व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई हैं। विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी को जो कोविड के लक्षण है अगर वो प्रदर्शित होते हैं, उन्हें तुरंत आइसोलेट किया जाए, उन्हें अलग रख के और उनकी टेस्टिंग कराई जाए। किसी भी तरीके से कोविड का संक्रमण जेल के अंदर ना फैले, ये बहुत ही कड़े निर्देश दिए गए हैं। और वर्तमान में जो व्यवस्था है कि जो नए बंदी आ रहे हैं उनको अस्थायी जेल में रखा जाता है और उसके पश्चात क्वारंटाइन पीरियड के बाद ही यहाँ लाते हैं। ठीक है, व्यवस्थाएँ संतोषजनक पाई गई, कोई विशेष बात नहीं।